हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं वही पांडे जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो वेबमास्टर टूल में आप जो स्ट्रक्चर डाटा एरर आता है आपके ब्लॉग पर, आप उसे कैसे रिजॉल्व या फिर फिक्स कर सकते हैं। जनरली दोस्तों, स्ट्रक्चर डाटा आपके कंटेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि सर्च इंजन हमारे पोस्ट को कैसे देख रहा है, जैसे कि पोस्ट का टाइटल क्या है, पोस्ट का ऑथर कौन है, पोस्ट कब अपडेट किया गया है, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी सर्च इंजन को स्ट्रक्चर डाटा से ही पता चलता है। अगर इसमें कोई एरर होता है तो ये आपके ब्लॉग के एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू एक ड्रॉबैक है। तो इस एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? अगर आप अपने ब्लॉग के वेबमास्टर टूल में जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक ग्राफ शो करेगा। यहाँ पे जो रेड कलर का लाइन देख रहे हैं, ये आपके ब्लॉग में एरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में करीबन 73 एरर्स थे। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसे फिक्स किया था। अभी आप एरर देख सकते हैं, सिर्फ 30 ही एरर है और बहुत ही जल्द मैं इसे पूरी तरीके से फिक्स कर लूंगा। तो कैसे आप अपने वेबमास्टर टूल में ऐसे एरर को फिक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह का डाटा टाइप में आपका एरर शो कर रहा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉग पर क्या क्या एरर है। यहाँ पे मेरा जो एरर है वो मिसिंग ऑथर का है, लेकिन हो सकता है कि आपके ब्लॉग में कुछ और एरर हो, जैसे कि मिसिंग अपडेट का आ सकता है, मिसिंग टाइटल हो सकता है, मिसिंग डेट पब्लिश हो सकता है, यानी जो भी मिसिंग है वही आपके ब्लॉग का एरर है। तो यहाँ पे आपको जो एरर लिंक्स दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए और इस लिंक को यहां से आप कॉपी कर लीजिए और इसे मैं क्लोज कर लेता हूं। अब यहां पे ऊपर आपको एक डाटा हाइलाइटर का ऑप्शन मिलेगा, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पर पहले ही मैंने कुछ डाटा को यहाँ पे हाईलाइट किया था, इसी वजह से इस तरह का पेज लुक दिख रहा है। लेकिन जब आप पहली बार इस पेज पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप स्टार्ट हाइलाइटिंग पर क्लिक कर लीजिए और इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे आपने जो यूआरएल कॉपी किया था इसे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको हाईलाइट करना होगा ये जो आपने यूआरएल डाला है, ये किस तरह का पोस्ट है, ये आर्टिकल है, बुक रिव्यू है, इवेंट है, लोकल बिजनेस है। तो यहाँ पे मेरा ये एक आर्टिकल है तो मैं यहाँ पे आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज मत कीजिए और ओके पर डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए। तो अब आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी मिसिंग फील्ड है उसे एंटर करना होगा, जैसा कि टाइटल, ऑथर, डेट पब्लिश्ड, इमेज, जो भी आपका मिसिंग दिखा रहा है उसे आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टाइटल है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपको टाइटल पे क्लिक करना होगा। तो अब आपका टाइटल यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डेट पब्लिश पे जाके ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारा जो डेट है ये अपडेट हो चुका है, लेकिन मेरा मिसिंग ऑथर एरर दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑथर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ऐड मिसिंग टैग्स पे क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट टैग में से ऑथर को सिलेक्ट कर लेता हूं और मेरा यहाँ पे जो ऑथर है ये है गैजेट इन्फ्लुएंसर और यहाँ पे मैं जो ऑथर का नाम है ये एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पे आपका इमेज मिसिंग है तो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके इमेज डाल सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कैटेगरी भी मिसिंग है तो कैटेगरी को भी इस तरह से डाल सकते हैं। मेरा सिर्फ ऑथर मिसिंग था तो मैंने इसे एंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे डन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब सेम एरर वाले जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्रिएट पेज सेट पर क्लिक कर लीजिए। आपको अब सिर्फ ये चेक करना है कि आपने जो पेज फील्ड यहाँ पे सेट किया था वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइटल हमने सेट किया था, ऑथर और डेट पब्लिश, ये यहाँ पे इस पेज के लिए ठीक है।
इसी तरह से आप नेक्स्ट पर क्लिक करके दूसरे पेजेस को भी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर हुआ तो आप उसे सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे पूरा चेक कर लेते हैं तो लास्टली डन पर क्लिक कर लीजिए और जिस पेजेस पे आपने ये सब चेंजेस किए थे उसे फिर से यहां से रिव्यू कर लीजिए। अगर वो ठीक रहा तो यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक कर लीजिए। तो अब हमारा जो पेज सेट था वो अब पब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी अगर एरर आप चेक करेंगे तो ये फिक्स नहीं होगा क्योंकि गूगल को क्रॉल करके इंडेक्सिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप एक दो दिन के बाद उसे फिर से चेक कर लीजिए, आपका जो भी एरर था वो कम हो चुका होगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपके स्ट्रक्चर डाटा में कुछ और एरर दिख रहा है तो आप डाटा हाइलाइटर के मदद से उसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।